एक बज रहे हैं, सैलून चलोगे? 10 बजे जा रहे थे और तुम? कि दीदी 5 मिनट दे दो, चाय पीते ही उठ के रेडी मिलूंगा। भाई रचित तो नहीं आ रहा है मेरे साथ, क्योंकि अभी दिखाया मैंने, रचित सो रहा है, मालिश करवा रहा है, लाड करवा रहा है यहाँ पे। हे क्यूटीज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आई एम सॉरी गाइस, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि मैं थोड़ा डाउन हूँ अभी। मतलब सर में दर्द था कल पूरी रात, देखो बालों में मैंने ऑयलिंग भी करवा रखी है। कल मैंने कम से कम 40 मिनट तक अपने बालों में चंपी करवाई है, नहाई भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने कल क्या किया, मैंने रचित वाला व्लॉग ही अपने चैनल पे डाल दिया। आई एम सॉरी उसके लिए, मैंने ऐसा कभी नहीं किया था, बट इस बार बस एक स्ट्रीक ना टूटे 365 डेज की, सिर्फ इसलिए मैंने ऐसा किया। बाकी मैंने कल भी कोई व्लॉग नहीं बनाया था और आज भी कोई व्लॉग नहीं बनाया। अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं अभी सोकर उठी हूँ। मैंने सोचा यार कुछ तो थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आप लोग कमेंट कर रहे थे, दीदी आपकी तबीयत ख़राब है क्या, आपने व्लॉग नहीं बनाया कल, रचित भैया वाला उठा के डाल दिया। तो तबीयत वैसे ख़राब नहीं है, बस थोड़ा सा डाउन हूँ, सर्वर में दर्द हो रहा था, बेड पे पड़ी थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि वीडियो बिल्कुल रेडी है मेन चैनल की, आप बस मुझे टाइमिंग बताओ कि मैं किस टाइम पे अपलोड करूँ। तो उस पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे 11 बजे करो, लेकिन अभी 12:30 बज चुके हैं, मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी है, क्योंकि उसका रीज़न है अभी बताती हूँ। क्या हुआ, हटो साइड हटो। गुड मॉर्निंग, ये देखो भाई रचित सो रहा है यहाँ पे ना। रचित को मेरी वीडियो फाइनल करनी थी, बट कल रात से रचित की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता रचित ने व्लॉग बनाया है नहीं बनाया, तो रचित भी यहाँ पे सो रहा है। रचित ने फाइनल नहीं करी वीडियो, तबीयत ख़राब थी इसलिए वीडियो नहीं आ पाई यार, आई एम सॉरी। मतलब मेरी उससे एक दिन पहले थोड़ा मेरे को खांसी वासी तो थी, आपको पता है रचित सिरप वगैरह लेकर आया था मेरे लिए, मेरे बाद फिर रचित के साथ ऐसा हो गया। और गाइस रचित बोल रहा था ना कि तो इसने मेरे कितने जूते धोए, रुको मैं अभी दिखाती हूँ मैंने इसके कितने धोए थे। ये देखो लाइन से लगा के रखे हैं, यहाँ पे ये रहे और एक यहाँ पे ये रहा, काउंट कर लो आप। इसमें सिर्फ एक ये पिंक वाले मेरे हैं और ये ब्लू वाले मेरे हैं, बाकी सारे रचित के हैं। इस रचित ने सारे मेरे से वॉश करवाए और एक ये रहा। बस इसलिए मैं लाइटिंग वगैरह में रचित की हेल्प नहीं कर पाई थी, और मुझे के बोल रहा था कि तूने किया ही क्या, ये कर रही थी, मुझे लग रहा है ठंड में बैठ के धो रही थी ना मैं जूते, तो मेरे को ठंड लग गई या क्या हो गया, सर इतनी तेज दर्द होने लगा। अगर ऋतिक नहीं होता तो पता नहीं क्या ही होता मेरे सर के साथ, ऐसा लग रहा था ब्लास्ट हो जाएगा। खैर अभी बहुत अच्छी धूप निकली हुई है बाहर, तो थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, उसके बाद 10-15 मिनट में मैं अपने सैलून पे जा रही हूँ। ये ब्लॉग अभी आ जाएगा 10-15 मिनट में, थोड़ा सा इन्फॉर्म करके मैं आपको बस यही बता रही थी कि मैं आपको 5-6 बजे तक अपने सैलून में मिलूंगी। अगर जो भी मिलना चाहता है मुझसे आ जाना, क्योंकि मैं हेड वगैरह वॉश यहाँ नहीं कर रही हूँ, सैलून में ही करवाऊँगी, क्योंकि इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं खुद से करूँ हेड वॉश फिर नहाऊँ। बस नहा लूँगी, या हो सकता है नहाऊँ भी ना, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। भाई मैं धूप में बैठी थी यहाँ पे, इंस्टा भी धूप में आके बैठा हुआ है और मस्त धूप ले रहा है यहाँ पे, मालिश करवा रहा है, लाड करवा रहा है यहाँ पे। इंस्टू बेटू क्यों पीछे पीछे लगे रहते हो, खाना खा लिया प्यारा बेटा? गैस चलो मैं कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, चाय वाय पी लेती हूँ, मैं भी भैया ने बना दिया, अभी आवाज़ लगा रहे थे, कर लेती हूँ फिर सैलून के लिए निकलती हूँ। भाई रचित तो नहीं आ रहा है मेरे साथ, क्योंकि अभी दिखाया मैंने, रचित सो रहा है, रेस्ट कर रहा है। मैं अकेले आ रही हूँ सैलून में, क्योंकि मुझे कई चीज़ें करवानी थी। अगर आपको भी करवानी है तो आप विजिट कर सकते हो, जो कुछ भी करवाना है करवा सकते हो। मैं तो आज जा रही हूँ हेड वॉश करवाने और वैक्स करवाने, थ्रेडिंग करवाने। मेरे थ्रेडिंग देख रहे हो आप, आईब्रोज पता नहीं 1 महीने से नहीं करवाई, ऐसी हो रखी है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, पर फाइनली आज मैं जा रही हूँ। और गाइज रही बात वीडियो की, तो वीडियो अपनी कल आ जाएगी, आज सैलून से वापस आने के बाद मैं फाइनल कर लूँगी उसमें थोड़ा बहुत जो भी काम रह रहा है। और बहुत ही अच्छी वीडियो है, मैंने थोड़ा शादी से रिलेटेड बनाई है, थोड़ा हिंट दे दिया है, थोड़ी जो जैसी लास्ट वीडियो थी ना वैसा ही कुछ है, तो आप देख लेना, वीडियो कल आ जाएगी ठीक है। इंस्टू खाना खाया, खा लिया ना खाना, खा लिया भैया इसने खाना, अच्छा। ऋतिक तू फिर सो गया, ये क्या बदतमीजी है, नहीं चलना सैलून तो बता दे, मैं अकेले चली जाती हूँ। कुछ भी मैं तो जाऊंगा। क्या
दो दो कंबल ओढ़ के सो गया। चाय का बैठ ये क्या रखा है फिर, ये क्या है ये? चाय का वेट कर रहा हूँ। नहीं तू मत जा, तुझे लेके ही नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाऊंगा, नहीं मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ आज। भाई ब्रेकफास्ट में है चाय और ब्रेड, ऋतिक के लिए भी है, पर सॉरी ऋतिक नहीं आ रहा मेरे साथ। ठीक है गाइस, क्या पाँच मिनट मांगे थे ना, ये 5 मिनट है कि दीदी 5 मिनट दे दो, चाय पीते ही उठ के रेडी मिलूंगा। रहन दे भाई तू, नहीं मैं रेडी हूँ, गोली देता है भाई। आज हमारे घर में सिर्फ बल्लू भाई है, वो नहीं है, मिक्की नहीं है, क्योंकि मिक्की अपने घर गया हुआ है 3-4 दिनों के लिए। तो ये है कि मेरे को ब्लॉग भी वाला खुद ही एडिट करना है। रिश्ते वाला रख क्या, अभी तो छोटा है कुछ भी भाई, अभी छोटा है वो, यूं कह रहा है उसके रिश्ते वाले आ रखे हैं, कुछ भी बोल रहा है। बाकी भाई कई लोगों के कमेंट्स थे कि दीदी आप अपना होम डेकोर हो जाए तो दिखाना जरूर, तो मैं क्या ही दिखाती जब रचित ने आपको सब दिखा ही दिया। आपने देखा ही तो वही ब्लॉग मैंने डाला था, आपने देख लिया होगा। बहुत अच्छे से घर में लाइट वाइट लगा दी है, हमारे घर में लाइट की कमी थी तो झूमर वगैरह लगा दिए हैं। झूमर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता बल्लू, तुझसे पूछ रही हूँ, मुझे तो पता ही है, मुझे तो पता ही है, मुझे पता है, मुझे भी पता है। चल मैं बताती हूँ, ऐसे होता है, अब बता बता भाई, गवार है ये, इसको नहीं पता, मैंने इतना बता दिया ऐसे होता है। देखो पीछे बता बता जल्दी बता, कुछ भी गाइस आपको तो पता ही चल गया होगा ना, मुझे पता है, मैंने जब स्टार्टिंग में बता दिया बता दे, गूगल कर ले अभी भी झूमर ओ भाई सॉरी ऐसे नहीं था, सी से है, सी से भाई वो बोलते हैं ना उसको शैंडलियर, तो मुझे लगा ऐसे होगा, स्पेलिंग मिस्टेक थी पर मैंने गलत नहीं बताया था, शैंडलियर बोलते हैं। अभी मैंने मतलब देखा तो स्पेलिंग तो उसकी सी एच ऐसे थी, यहाँ से स्टार्ट थी, तो मेरे को लगा एस है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है मैंने। क्या भैया क्या धोगे? नहीं नहीं, ये प्यारा है, इंस्टू ब्रेड खानी है, अभी दे रही हूँ भाई। कल ब्रेकफास्ट में खाया था पोहा, आज खा रही हूँ चाय और ब्रेड, इंस्टा को भी खिला रही हूँ साथ में, क्योंकि ये देख रहा है ना बार बार। ले ले, ऐसे करता है जब मैं खाने बैठती हूँ, आ जाता है मुँह लटका के, अपना भी खाना खा जाता है, मेरा भी खा जाता है। मिक्की कितना बेदर्द है, बेरहम है, देखो इसको कुछ नहीं देता, ऐसे उसकी शक्ल देखता रहता है ये। इंस्टू देख टेम्पो आ गया, जा देख टेम्पो आया है, जा 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 गेट पे जा जल्दी पता चल गया ब्रेड खाने के चक्कर में झूठ बोल रही है। गाइस तो मैं ना अभी सलोन के लिए निकल ही रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आंटी तो डेली जाती हैं सलोन रचित की मम्मी, क्यों ना मैं पहले उनको फ़ोन कर लूँ, क्योंकि मैं थ्रेडिंग उनके हाथ से ही करवाऊँगी, क्योंकि वो जब करती हैं तो उनके हाथ से दर्द वर्द नहीं होता, और यहाँ नीचे की तरफ पेन होता है ना अक्सर, मुझे तो वैसे नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है वो करती हैं तो उनके हाथ से नहीं होता। तो मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था कि वो भी आज आ रही हैं सलोन या नहीं, तो उनसे बात हो गई आ रही हैं। फिर उनने मेरे को याद दिलाया कि एक तो जो हमें इनोग्रेशन पे गिफ्ट मिले थे उसमें एक बड़े से बुद्धा जी भी थे जो कि हमें गिफ्ट किया था, किसने, हाँ फ्यूजन कार वाले भैया ने, गौरव भैया ने उन्होंने दिया था, तो वो बुद्धा मुझे लेके जाना है, वो हम सलोन में ही रखेंगे। और एक हमारे यहाँ ना घड़ी खराब पड़ी थी जो रचित को गिफ्ट में मिली थी जो आंटी ने दी थी, वो भी खराब पड़ी है, तो वो दो चीज़ मेरे को लेके जानी है। अब देखते हैं वो सामान रखा कहाँ हुआ है। ऋतिक वो कहाँ रखा है, सोया बड़ा हुआ है, बताना बुद्धा, बुद्धा तो वो रहा शायद ना वो पैकेट में जो इनोग्रेशन पे मिला हुआ था। हाँ, वो तो रहा। घड़ी का है वो, तो बोल तो खाली है, घड़ी तो है ही नहीं वहाँ पे, खराब हो रखी है वो, तो निकाल के देना, वो ठीक करवाएंगे। उतार दी अभी, कहाँ कराओगे अब ठीक? अरे मैं लेकर जाऊंगी, सलोन में दे दूंगी, वहीं पड़ी रहेगी, वहीं नहीं ले जाएंगी आंटी, अभी फोन करके उन्होंने खुद ही बोला है ले आना, मैं ठीक करवा दूंगी। भैया के रूम में रखी है, कहाँ पे? अभी भैया को उठा के मैं पूछता हूँ, उठाएगा उसका पहले, बाद में रेडी क्या होना है, कपड़े तो चेंज करने हैं, मैं नहीं नहा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आके नहाऊंगी।
भाई नहा के चलो शायद हम जाता है ना नहा नहीं तू नहाया है अभी मैं तक पानी गर्म हो रहा है भाई नहीं तो जाएगा रचित के उठने से पहले मैं होकर भी आना है बिना नहाए चल ले आके नहा लियो हम दो ही जा रहे हैं और बारात लेकर जाएगा भैया नहीं जा रहे वो सो रहा है ना पूछा आपने एक बारी रात में बात हुई थी ना तू और ऋतिक चला जियो फिर भी पूछ लो क्या पता मन बदल जाता है बंदे का उठ आ आ उठ के आ पूछ आउट हो गया हाँ उठ अब मना कर दी ना तेरे कान मारूंगी दो ठीक से आए हाँ आ पूछती हूँ भड़क न जा काम से रचित 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 1 बज रहे हैं सैलून चलोगे 10 बजे जा रहे थे और तुम नहीं जा पाए थोड़ा लेट हो गए उठने तो में फिर 1 बजे जाओ तुम नहीं चलोगे नहीं मैं थोड़ा काम करूंगा सुन लिया है? सुन लिया मारू तेरे कान पे देख लो गाइस मुझे पता होता है फिर भी देख लो कैसे पुछवाता है अब मुझे पता देखो ये भी जाएंगे आप ही कह रहे हो ओह देख रहे हो भाई साहब कैसा आदमी है ये कैसा आदमी कह रहा है मुझे तो पता ही था भैया नहीं जाएंगे आप ही गए हो पूछने और क्या मुझे तो पता ही था एक बार धूप आ रही है यहां पे धूप से ब्रश कर ले मुंह धो ले मैंने बोला नहाएंगे नहीं ये नहीं बोला कि ब्रश भी नहीं करेंगे चुप की तबीयत खराब है थूक लगा के चला गया इंस्टा अब यहाँ मत आ तेरे कपड़ों में ही साफ करूंगी आ जल्दी आ जल्दी आ भाई थूक लगा दी इसके कपड़ों में ही पहुंचूंगी मैं हैं अरे भाई हो जाओ ना तैयार क्या इसे लेके बार बार इतना प्यारा है इसे थोड़ा सा तो प्यार करना बनता है ना उसका नहीं है मन फिर भी मन है इसका उसका मन ही नहीं है मुंह नहीं चाटना इतना चाटूंगा फिर पप्पी दे बोल रहे हो आप अरे यहाँ पे मत लगाए कहीं भी लग चुका है सो गया कोई नहीं अभी मुंह धो लूंगी हो गया सो गया वो जाओ दीदी अब नहा के देखो अभी फिर उठ जाएगा चल इंस्टा हो गया एक्टिव चलो जामर से चलो ये बड़ा बेवकूफ मजे आ गए इंस्टा के मैं जा रही हूँ गले लगा चल सेट एक बार गले लगा ले फिर मैं जाऊँ तैयार होने गले लगा ले एक बार इंस्टो सेट नहीं लगाएगा ना नहीं कहना मानेगा ना सेट सेट ले अब गले लगा नहीं सुनता भाई नहीं है भाई इसका मन जाओ ना आप नहीं सुनता ये सुनता क्यों नहीं करता तू मेरे से ए प्यार नहीं करता ना तू मेरे से ले चाटे खा बाय हो गया बाय ओ ओ ए दिमाग मारूंगी तेरे कान पे थोड़ा सा लाड क्या कर दिया ज्यादा उछल रहा है ज्यादा उछल रहा है घर से बाहर फेंक दूंगी भाग बाहर मेरे कमरे से बाहर निकल ले जाएगा खींच के बैठ जा देखो अब इसके मुंह लग गया हो अब ये लेके जाएगा इंस्टा बस रचित आ रहा है इंस्टा मैं जा रही हूँ देखो लेके आया इंस्टो छोड़ यार मैं तो थोड़ा सा खेल रही थी मुझे क्या पता मेरा सर हो जाएगा ये चल बाहर निकल ओ भाई कैसा सा आएगी पता मैं इससे अब इसके मुंह लग गया है अब ये लेके चला जाएगा यहाँ से नहीं, देखना नहीं नहीं ले जाएगा चलो गाइस बाय बाय रेडी हो जाती हूँ निकलती हूँ सैलून के लिए आर यू बाय लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना लव यू